बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में ही बात नहीं करने वाले, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड बात करने वाले हैं, एज वेल एज मार्केट में चल क्या रहा है, क्यों मार्केट गिर रहा है, क्या होने वाला है आगे, ऐसा क्या हमें घाटा तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके की हम इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करेंगे, ओके, ऐसी इन्फॉर्मेशन को सीख करेंगे और कि हमें घाटा ना हो, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको से चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। तो जैसे कि सामने आपको दिख रहा है, निफ्टी आज लगभग 193 पॉइंट्स गिरा है, लगभग 1.68% की गिरावट आपको दिखाई दे रही है। ऐसे ही आपको गिरावट दिखाई दे रही है बीएससी में, सेंसेक्स में आपको दिखाई दे रही है गिरावट, 633 पॉइंट्स की गिरावट, 1.63% की गिरावट आपको दिखाई दे रही है। तो हुआ क्या ऐसा कि मार्केट गिर गई, क्या रीज़न था? लास्ट टाइम जब मार्केट गिरी थी, ओके, जैसे कि हम 5 डेज पहले का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, तो देखिए कहाँ 40,000 पे पहुंच गई थी, और एक साथ ही लगभग 1500 पॉइंट, 900 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट हुई थी। तब हमारे पास रीज़न था, इंडिया चाइना का जैसे कि टेंशन चल रही थी इस वजह से, प्लस में सेबी के कुछ मार्जिन रूल्स आ रहे थे जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन था, इस वजह से मार्केट गिरी थी, ओके। बट अभी क्या रीज़न था कि ये मार्केट एक साथ ही इस तरीके से गिर गई कि 600 पॉइंट और 700 पॉइंट? तो इसके पीछे सिंपल सा एक रीज़न मैं आपको देना चाहूँगा, ये था डो एंड जोन्स। कल का जो परफॉर्मेंस था डो एंड जोन्स, कंटिन्यूअसली पिछले एक महीने से आप कह सकते हैं कि भागी रही थी, भागी रही थी, 26,800 पे चलने वाली लगभग 29,000 पे चली गई थी। तो मार्केट कंटिन्यूअसली भाग रही थी, ओके, 29,187 से सीधे मार्केट नीचे आई। इस वजह से हमारा जो सेंसेक्स और हमारा निफ्टी है, दोनों के दोनों बहुत तेजी से इसी न्यूज़ की वजह से गिर गया, क्योंकि हमारा मार्केट है जो अमेरिकन बेस पे चलता है, और हमारा ही नहीं पूरे वर्ल्ड का मार्केट अमेरिका के बेस पे चलता है। और खैरियत है कि यहाँ पर केवल आपको 193 या फिर यहाँ पर 600 पॉइंट्स की गिरावट आपको दिखाई दे रही है, बट मेरे को तो लगता था कि ये गिरावट बहुत ज़्यादा होने वाली है। जैसे ही कल हम मार्केट जब ये डोन जोन्स चल रहा था, तो लग रहा था कि ये निफ्टी 11,000 से भी नीचे पहुँचेगा, ओके, 10,000 के लेवल पर आएगा। ऐसे ही सेंसेक्स भी लग रहा था लगभग 3700 के आस 37,000 के आसपास आएगा, बट मार्केट बच गया और इतना ज़्यादा गिरा नहीं। तो डो जोन्स इसलिए गिरा था कि इनका जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी, और एज वेल एज यहाँ पर जो इनके फैंग, एक फैंग मीन्स जो इनके नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन, गूगल, इस तरीके की जो इनकी बड़ी बड़ी कंपनी थी, डिजिटल से रिलेटेड कंपनी थी, आईटी से रिलेटेड कंपनी थी, ये सारी की सारे शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी इस वजह से। इसलिए आज आपने देखा होगा हमारे भी आईटी शेयर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई थी मॉर्निंग में, ओके, और आज लास्ट में भी आपको प्रॉफिट बुक करते हुए लोगों को देखा होगा। तो ये न्यूज़ थी, ये सिंपल सी न्यूज़ थी, इसी वजह से मार्केट गिरा था, ओके, क्योंकि हमारा मार्केट अमेरिकन मार्केट को फॉलो करता है, सिंपल। बाकी और ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है। इसके अलावा हम एक इन्फॉर्मेशन और बात कर लेते हैं, विजय केडिया रिवील्स इज रिसेंट स्टॉक्स बाय आफ्टर स्लीपलेस नाइट इन अप्रैल और मई। तो जैसे कि पता है आपको अप्रैल और मई में किस तरीके से मार्केट गिरी थी और किस तरीके से फिर उसके बाद उभरी भी है, तो आपको सब सारी नॉलेज आपको ऑलरेडी है। तो विजय केडिया की इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आपके सामने इनकी फ़ोटो आ रही है। तो बहुत बड़े इन्वेस्टर है, 35,000 रुपीज़ लेके आए थे, ओके, कैलकाटा से ये है, बिलोंग करते हैं, 35,000 लेके आए थे, बहुत स्ट्रगल किया, और आफ्टर दैट आज 1,000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का इनका पोर्टफोलियो है, ओके, बहुत रिचेस्ट पर्सन है। तो इन्होंने कुछ अपने स्टॉक्स बताए कि कौन कौन से स्टॉक्स है इनके। कल CNBC पे एक इंटरव्यू भी आ रहा था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इंटरव्यू देखा था इसलिए मैं आपको बता दूँ, इन्होंने एक शेयर में भी पैसा लगाया था, रैमको सिस्टम, आईटी से रिलेटेड शेयर है, तो इन्होंने ऐसे ही पैसे नहीं लगा दिया था इसमें, 80 रुपये पे इन्होंने शेयर खरीदा था, आज अपर सर्किट लगता जा रहा है, और लगभग 275 और इसके अबाउट इनका ये रैमको सिस्टम चल रहा है, ओके। तो 80 रुपये का शेयर 277, तो कितना परसेंट तक का इन्होंने प्रॉफिट हुआ है? तो इस ये जो रैमको सिस्टम है,
आपको बताना चाहता हूँ, इनकी नज़र केवल इन्होंने देखा कि 80 रुपये का शेयर है, उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं। पिछले 5 और 6 साल से इस पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने उठाया था। ओके, तभी उन्होंने, ये 250 पे था तब भी लेने की सोची थी, ओके, बट इस मंदी में इन्हें 80 रुपीज़ का मिल गया, तो इन्होंने ले लिया। और ऐसी कुछ ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली उन्होंने, थोड़ी बहुत क्वांटिटी ही ली है, जैसे कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। तो हमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी फॉलो हमें सबकी सबके इंटरव्यू हमें देखने चाहिए। ओके, सब चीज़ हमें जांचनी चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें शेयर को पिक करना चाहिए। कल की डेट में ये शेयर दोबारा 80 रुपये पे भी आ सकता है। ओके, आपने आपने एंट्री कर ली 250 पे, पता चले ये शेयर फिर 80 पे आ गया, तो इनकी रिस्क कैपेबिलिटी, ओके, इनको रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये करोड़ों रुपए के मालिक है। बट हम जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर है, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। हमने अगर 10,000 रुपये के शेयर ले लिए, कल को वो 80 हो गए, तो हमारा, हम एकदम ही घबरा जाएंगे और बेच देंगे शेयर, और फिर हम लॉस में निकल जाएंगे और मार्केट को गाली देंगे। तो फॉलो हमें सबको करना चाहिए जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बट इस तरीके से हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके, कि हम कि राजेश राकेश झुनझुनवाला ने इतने शेयर ले लिए तो हमने कूद पड़े, विजय केडिया ने ले लिए तो हमने कूद पड़े, वॉरेन बफेट ने ले लिए। फॉलो करो इन्हें, ओके, बट ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अपना इनका रिस्क लेने का तरीका और हमारे रिस्क लेने का तरीका में बहुत डिफरेंस है। इनको करोड़ों करोड़ों रुपए का लॉस हो जाएगा, चलेगा, बट हमें अगर करोड़ों रुपए का लॉस हुआ, ओके, हमें अगर 10,000 रुपये का भी लॉस हो गया, तो आपको पता है कि क्या होता है। तो इन्हें फॉलो करो, बट ब्लाइंडली फॉलो बिल्कुल भी मत करो कि इन्होंने ये ले लिया तो हम भी ये ले, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि ये राकेश झुनझुनवाला ने इतनी क्वांटिटी उठाई, तो लोग पागलों की तरह उठाने लग जाते हैं। ऐसा कुछ मत करो, और लॉस सबको होता है, विजय केडिया को भी हुआ होगा, वॉरेन बफेट को भी होता है, इसके राकेश झुनझुनवाला को तो होता ही रहता है। तो ये सारी बातें थी। इसके अलावा इन्होंने और इन्फॉर्मेशन बताई थी कि हाँ, जो अपने जिन्होंने छोटे छोटे स्टॉक्स में पैसा लगा रखा, पैनी स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है, या ये अब भंगार स्टॉक कहते हैं ये विजय केडिया, मतलब बेकार स्टॉकों में पैसा लगा रखा है, जो भागे जा रहे थे, जिन्होंने अच्छे अच्छे रिटर्न दिए, तो उसमें निकलने का टाइम आ गया। निकल जाना, आप लोग भी रिटेल इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट है, ओके, क्योंकि वो आज नहीं तो कल डेफिनेटली नीचे जाएंगे, और वो जाएंगे तो आपको बर्बाद कर देंगे। जितना प्रॉफिट हो गया चुपचाप निकलो, और फंडामेंटली, जैसे कि मैं ऑलरेडी बताता हूँ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में बने रहो। मेरी सारी वीडियो रिसेंटली देख लेना, मैंने बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को आपको रिकमेंड किया है। डिस्क्रिप्शन में हर एक का लिंक है, जाके देख लीजिएगा। ओके, अच्छा, अच्छे शेयर के बारे में बताया रखा है, उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे, कभी आपको लॉस नहीं होगा। आप वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर रहेंगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा हम दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर कितना कर रहे हैं, क्यों कितना निकाल रहे हैं, क्योंकि इन पे भी हमारा काफ़ी ध्यान होना चाहिए। तो आपको एक डेटा दिखा देता हूँ, सेप्टेम्बर का ही है। तो देखिए, 1 सेप्टेम्बर का डेटा देख लीजिए, लगभग इतने 7,444 करोड़ रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। उसी दिन उन्होंने 6,958 करोड़ रुपीज़ सेल भी किया है, तो 46 उन्होंने अभी मार्केट में रख रखा है। ऐसे 2 सेप्टेम्बर को ही फॉरेन इन्वेस्टर का इस तरीके से लगभग 6,640 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 5,649 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने सेल किया है। और आज की बात कर ले तो आज भी लगभग 5,127.27 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए, और 5,111.95 करोड़ रुपीज़ इन्होंने सेल किया। तो लगभग 7 करोड़ रुपये आज के दिन में मार्केट में इनके अभी ओवरऑल बचे हुए। इसी तरीके से डोमेस्टिक का भी देख लीजिए। डोमेस्टिक में तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर नेट सेल देख लीजिए अभी तक इस मंथ का, तो लगभग 1,484 करोड़ रुपये इनका मार्केट में लगा हुआ है फॉरेन इन्वेस्टर का। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो डोमेस्टिक का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है जो, ओके, वो निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। तो इस डेटा की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान डेली बेसिस पे दिया करें, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में हो क्या रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो बड़े बड़े इंडियन इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी क्या कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और न्यूज़ पे, लास्ट न्यूज़ पे, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक न्यूज़ पे ले जाना चाहता हूँ, हैप्पीएस्ट माइंड्स IPO टू ओपन। तो आपको बताना चाहता हूँ, कल मंडे है, ओके, मंडे को, कल इसका, मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो इसका
आईपीओ आने वाला है, आईपीओ आपको पता ही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये कंपनी लिस्ट होने वाली है, ओके, अपने आप को लिस्ट कराने वाली है, तो सबसे पहले इसका आईपीओ आता है, तो आईपीओ आने वाला है मंडे को। कल इससे रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा, आपको बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में इससे रिलेटेड सारी आईपीओ से रिलेटेड, हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने लास्ट वीडियो में, जब मैंने आईपीओ की बाहर बनाया था वीडियो, ओके, तो उसमें मैंने हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, तो वही आईपीओ कल की डेट में, मतलब मार्केट जब ओपन होगा मंडे को, तो इसका आईपीओ आने वाला है, तो इसकी तरफ हम ध्यान देंगे। कल इसकी वीडियो आएगी तो कल देखना बिल्कुल मत भूलिए, इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर दूंगा, ओके। तो लास्ट में कंक्लूजन यही है कि आप, जैसे कि आजकल दिख रहा है निफ्टी और सेंसेक्स डेली वाइजेस में या वीक में, इसी वीक में 2 बार गिर चुके हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दो। एज वेल एज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर प्रॉफिट भी बुक नहीं करते तो अच्छे शेयरों में रहो, ओके, ऐसे शेयर में रहो जो निफ्टी और सेंसेक्स के साथ में रहते हैं, क्योंकि कल को अगर वो गिर भी गए तो आपको कोई लॉस ना हो। जैसे कि आपको दिखाना चाहता हूँ 6 मंथ का चार्ट, देखिए ऊपर से नीचे आया फिर ये बढ़ गया, ऐसे ही निफ्टी देखिए 6 मंथ का चार्ट, ऊपर से नीचे गिरा, ओके, और फिर बढ़ गया। तो ऐसे ही कुछ शेयर है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिलायंस को देख लीजिए, ओके, ऊपर से नीचे गिरा, ओके, और इस तरीके से बढ़ गया। फिर आपको TCS के बारे में बता देता हूँ, देखिए ये भी 2200 के लगभग चल रहा था, ओके, 1500 1600 रुपये पे आया, और फिर देखिए क्या रफ्तार पकड़ लिया। तो ऐसे शेयर में रहो, बड़े बड़े फंडामेंटल शेयर में, तो आपको कभी घाटा नहीं होगा। तो दैट्स इट दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो, आपको रीज़न पता चला हो, ओके, आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अगर मैंने प्रोवाइड करी हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों फैमिली के साथ, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, ओके, और अपने दोस्त फैमिली के साथ इसे शेयर भी करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन, अच्छी अच्छी शेयर बाजार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।